बनारस की गलियां कई साहित्यकारों और कलाकारों के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक नाम है बिस्मिल्ला खां का। बिस्मिल्ला शहनाई के जादूगर थे। यही कारण है कि आज भी देश ही नहीं विश्व भी उन्हें याद करता है। फिर भी उनका अंदाज फक्कड़ बनारसी था। बनारसीपन उनमें रचा और बसा हुआ था। उनके अंदाज और बोली में बनारसीपन झलकता था। नाम बड़ा फिर भी बनारस के हड़हा सराय में छोटा सा आशियाना बनाकर रहने वाले बिस्मिल्ला सभी के चहेते थे। 21 अगस्त 2006 को उनकी मौत के बाद ये गलियां सूनी पड़ गईं। बिहार के डुमराव गांव में जन्मे बिस्मिल्ला खां काशी ही नहीं पूरे भारत की शान थे। यही कारण है कि सन 2001 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्ला खां बनारस की मोहब्बत में रंग गए थे। यही कारण है कि उन्होंने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जब उनसे यह कहा गया कि आइए आप अमेरिका में ही बस जाइए, आपको पूरी व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी। बावजूद इसके बिस्मिल्ला खां ने उस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया। उस वक्त बिस्मिल्ला खां ने कहा था कि यहाँ गंगा है, यहाँ काशी है, यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ से जाना मतलब इन सभी से बिछड़ जाना। कुछ ऐसे ही तथ्यों से रूबरू कराएगी अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार गुंजन श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।